हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत सर और आप देख रहे हैं आरके कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं झारखंड बोर्ड के क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि 2020 में एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों, मैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा कौन सा क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल आरके कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और इसका आप लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अपने भाई बहनों को शेयर कीजिए, जो भी आपके भाई बहन टेंथ क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2020 में, उनको आप ज़रूर शेयर कीजिए। और हम तो ये कहेंगे कि झारखंड के पूरे बच्चों को शेयर कीजिए, जहाँ तक आपका कांटेक्ट हो दोस्तों वहाँ तक शेयर कीजिए, सभी ग्रुप में भेजिए, ताकि उनका भी अच्छा मार्क्स आ सके और उनका भी भविष्य उज्जवल हो सके। तो आइए, और एक चीज़ और आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर मेरे वीडियो को आप देखते हैं तो पूरा लास्ट तक देखें, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, आप लाइक तो ज़रूर करें। और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है या आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करके बताएं हमें। तो यहाँ से आइए, खंड ए में देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कैरी 1 मार्क्स का रहेगा। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, परिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 35/50 के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन और भी है, जैसे 9/15 देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। लेकिन जो मेरा सेट है, पहले जो मैं गेस किया हूँ वही समय से क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख लीजिएगा, वही समय से मैं दोबारा बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये तो सभी लोग जानते हैं कि इसको जो है कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो 1, 2, 3, 4। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, बहुत VVI क्वेश्चन है इस बार की एग्जाम के लिए, जो आपका ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए, जांच कीजिए कि निम्न समीकरण दीर्घात है या नहीं, चेक वेदर द फ्लोइंग इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। 4 नंबर, इवेल्युएट, मान निकालिए। देखिए, ये इस बार मेरा उम्मीद है कि क्वेश्चन आ जाएगा, और नहीं आया तो इसी तरह का ही क्वेश्चन आएगा, बाई वाला नहीं आएगा, ठीक है, ये इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ से आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर। 6, डी व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखिए। आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है डी अर्धवृत्त वाले, है ना, यानी कि इसको आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, आर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई टू, तब इसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर पर बैठा लेंगे। तो थोड़ा सा है चेंजिंग, और आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा हमको, मैं इसका हल करके बता दूंगा। और यहाँ पे देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, बताइए कि आकृति में, तब देखिए यहाँ पे आकृति समरूप तक कसौटी है या नहीं, इसे आप देख लेंगे। और 7 नंबर में देख लेंगे आप, स्टेट वेदर द पेयर ऑफ ट्रेंगल्स इन द गिवेन फिगर इज सिमिलर और नॉट, अगर सिमिलर है या नहीं है, तो ऐसे इसको कर लेंगे आप, AB/AC, PQ/PR, यहाँ पे QR है, देख लेंगे आप इक्वल करके है कि नहीं इक्वल। तो 8 नंबर देखिए, यहाँ से आपका 8 नंबर है, ये एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो ये तो सभी को मालूम होगा, देख लीजिए, नहीं मालूम होगा तो फिर हम आपको हल भी करके कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन को बताए हैं, और आप उसको देख लीजिएगा, और नहीं तो फिर कमेंट कीजिए, बताएंगे। यहाँ पे देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। और ये आपका 10 नंबर है,
वर्गंतराल के निम्न सीमाओं एवं संचय बरम्बरता के बीच खींचे गए आलेख को किस प्रकार का त्वरण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बीबीआई ये बार बार आता है एग्जाम में। व्हाट टाइप ऑफ ऑगिव डू वी कॉल टू अ ग्राफ विच हैज बीन ड्रॉन बिटवीन लोअर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप इसे देख लेंगे। अब यहाँ से आपका सेक्शन बी आता है, यहाँ से 2 मार्क्स का सभी क्वेश्चन है आपके। देखिए ये आपका जो है यहाँ पे देख लेंगे आप, ये जो आपका क्वेश्चन है 11 नंबर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 का एलसीएम है ना। फाइंड द एलसीएम ऑफ 26 और 91 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको आप जरूर देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए 12 नंबर में है आपका बहुपद पी एक्स को जी एक्स भाग दीजिए, शेषफल लिखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है या इसका और भी क्वेश्चन रहेगा तो देख लीजिएगा। और ये दोस्तों 13 नंबर, देखिए 13 नंबर बहुत बीबीआई क्वेश्चन है आपका। ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखिए, ये बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है ना। ये आपका इस बार एग्जाम में मेरा उम्मीद है निश्चित ही आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आइए देखते हैं 15 नंबर, 15 नंबर का उतना चांस नहीं है दोस्तों, है ना। ये मतलब निगलेक्ट ही करके चलिए, नहीं के बराबर 15 नंबर का। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है ये देख लेंगे आप यहाँ से 15। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्तों को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये जरूर देखिएगा दोस्तों आप परिमेय, ठीक है, इसको निगलेक्ट करके नहीं चलेंगे आप, ये देख लेंगे जरूर आप। ये देखिए वीवीआई क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये इस बार के लिए 16 नंबर, और ये अथवा में इसका आ सकता है। तो मेरा अगर सलाह मानिएगा तो इसको आप अथवा मत फंसीएगा, अथवा में थोड़ा लफड़ा है इसको बना लीजिएगा ऊपर वाला 16 नंबर। आइए देखते हैं यहाँ से हल कीजिए दोस्तों, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है 17 नंबर, हल कीजिए, ठीक है, ये आएगा ही आएगा आपका एग्जाम में। और ये ग्राफीय विधि से हल कीजिए सोल्व ग्राफिकली, ये भी क्वेश्चन बीबीआई है। ये तो 19 नंबर नहीं बोल सकते हैं कि यही आएगा, लेकिन आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है 20 नंबर, आप इसको पूरा पढ़ करके जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 21 का ये भी क्वेश्चन बीबीआई है, 22 का ये क्वेश्चन बीबीआई है आपका, अथवा में इसका भी है वो भी देख लेंगे, वो भी बीबीआई है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे बीबीआई हैं। ये देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है 23 नंबर, ये बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में आ जाएगा यही क्वेश्चन मेरा उम्मीद है। और यहाँ से देख लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को अथवा इसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर देखेंगे और यहाँ पे अच्छी प्रकार से फिटी गई ये भी देख लेंगे आप। और 25 नंबर, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में बैठ जाएगा, और नहीं तो फिर अथवा देख लीजिएगा इसका, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आते एग्जाम में। इस फिगर को आप अच्छे से कर लेंगे, निगलेक्ट नहीं करके चलेंगे किसी भी चीज़ को। और 26 नंबर, देखिए अब यहाँ पे सेक्शन डी आ गया आपका, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है 26 नंबर इस बार के लिए एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मेरा उम्मीद है कि यही एग्जाम में आ जाए, ये देख लीजिएगा थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन 27 नंबर, आप इसे ज़रूर कर लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका इसका अथवा भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा दोस्तों। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, इस जो है परिमेय है, ये परिमेय जो है आपका बीबीआई है। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, आप इसे याद जरूर करके जाएंगे एग्जाम में। और देखिए इस बार के लिए इससे बीबीआई क्वेश्चन 29 नंबर, ये इस बार आप ये मान करके चलिए कि एग्जाम में आ रहा है 29 नंबर। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, एक शंकु के छिन्नक की त्रिक ऊंचाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अथवा में जो है 29 का, इसे आप याद करके जाएंगे पूरा प्रैक्टिस करके। और ये 30 नंबर जो क्वेश्चन है
आप इसे देख लेंगे। यहाँ पे देखिए 13 नंबर में ये जो दिया हुआ है इस तरह से शायद नहीं देगा, एक्स और वाई का मान वो निकाल करके देगा, ठीक है, इस तरह से नहीं देगा, मेरा उम्मीद है इस तरह से नहीं देता है, एक्स वाई का मान निकाल करके आपको देगा और सिर्फ आपको क्या बताना है इसमें, माध्यक बताना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा वीडियो और ये मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। देखिए मेरा नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो अभी तो हम एक स्टार्ट कर दिए हैं और एक 1 मार्च को स्टार्ट करेंगे, इसके बाद 15 अप्रैल को, और जो भंडरिया प्रखंड के अगर देख रहे हैं बच्चे तो वो ध्यान देंगे थोड़ा। यहाँ पे मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप देख लेंगे। तो थैंक्स दोस्तों, जय हिंद।